हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सवर इंडिया ब्लॉग। आज हम लोग रोला जा रहे हैं घूमने के लिए। रोला जैसे आपको बताया था, यूनाइटेड अरब इमारात में 7 स्टेट है। 7 स्टेट में से एक स्टेट शारजा। शारजा में एक सिटी है जो रोला है, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं और इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक वहाँ पे मार्केट्स भी है। वहाँ के समुद्र के छोटे छोटे बीच हैं जहाँ आप लोग जाके बैठते हैं, मस्ती करते हैं। तो हमारा भी आज छुट्टी था, हम लोगों का भी मूड बना और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। अचानक से प्लानिंग बना और इधर हमारे फ्रेंड्स लोग भी हैं। देखिए हमारा ये दानिश और ये हमारा शौकत अली, आगे हमारे नफीस में बैठे हुए आगे वाली सीट पे। तो रात तो अपनी है, पूरी रात वहीं पर ही रहेंगे, पूरी रात वहीं पर ही घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ के रूल्स, यहाँ के सड़कें और यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ के sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. फाइनली हम लोग पहुंच गए रोला और देख रहे हो पीछे गोल्ड मार्केट है, बहुत बड़ी गोल्ड की दुकान है। और यहाँ के ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स पीछे देख लो, इसके अंदर है। और यहाँ का शान और शौकत शुरू हो गया है। नाइट में यहाँ बाजार लगती है, नाइट में यहाँ मेले लगते हैं, नाइट में यहाँ भीड़ लगती है। दुबई घूमना हो तो नाइट में ही घूम सकते हो भाई, बहुत परेशानी होती है सड़क वड़क पार करने में, बहुत डर भी लगता है, बहुत चौकन्ने होकर पार करना पड़ता है। पीछे देखो कितना खूबसूरत गोल्ड मार्केट है, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे गोल्ड्स हैं। इंडियन लोग यहीं से गोल्ड वोल्ड लेके जाते हैं। यहाँ पे 3 ग्राम यानी कि 30 भरी, जो अपने यहाँ बोलते हैं भरी, गोल्ड ले जा सकते हो। उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, उससे ज़्यादा आपको कस्टम लग जाएगा, आप पकड़ ली जाओगे इंडिया में। तो इससे नियम कानून है, सभी लोग यहाँ घूमने फिरने आए हुए छुट्टी में। और देख लो पीछे बिल्डिंग कैसे है मिनी इंडिया का। अब आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, कैसे सड़क क्रॉस करते हैं। निशान पे देखिए, जब तक पंजे का निशान है जब तक आप रुके रहना, जब यहाँ आदमी चलने लगेगा फिर आपको रोड क्रॉस करना है, यानी गाड़ी रुक जाएगी, अब आप क्रॉस कर सकते हैं। रोड क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं इधर। ये रोला का बस स्टैंड के चारों तरफ का ये इलाका है, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कंबल, ब्लैंकेट्स और लगेज, जहाँ इंडियन लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं, अब घर जाते वक्त खरीदते हैं सामान वगैरह, जो भी कुछ भी लेना होता है, चॉकलेट वगैरह या और कोई सामान भी लेना हो तो यहाँ से परचेज़ करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये इलाका है, चारों तरफ देखो कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे इंडिया की गली है, अच्छी तरह सड़क बनी हुई नहीं है, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं इसलिए कचड़ा है, वरना इलाका तो यहाँ का बहुत हाईफाई, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। यही रोला है जो शारजा में एक सिटी है रोला, जो मिनी इंडिया के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडियन लोग रहे। जो बिल्डिंग दिख रही है आसपास में, सब में इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी किराए पे, जो लोग मैनेजर लेवल के हैं वो लोग रहते हैं, लेबर लोग भी रहते हैं इसमें। यहाँ पे थोड़ा रूम सस्ता मिल जाता है तो लोग सब यहाँ रहना, रूम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। सारी फैमिली है, सामने ये पार्क है, इसमें फैमिली लोग आती हैं शाम में, बच्चे बच्चे खेलते हैं, खेलने के लिए अंदर झूला वूला लगा हुआ है। और ये चारों तरफ इधर जो है ये मार्केट है, इसमें यहाँ जो सामान वामान लेना होता है, चॉकलेट लेना है, किसी को खजूर लेना है और बहुत सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स लेनी है, सारी चीज़ें इसमें मार्केट अंदर पूरा यहाँ तक अंदर। इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, किसी को जाना होता है तो यहाँ से सामान वामान खरीदते हैं। इधर गोल्ड मार्केट भी है मलवारी लोगों का, जो केरला के है, साउथ के है, वो लोग गोल्ड की शॉप है उनकी, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन के गोल्ड है यहाँ पे, जानते हो दुबई का गोल्ड फेमस है। यही सब बिल्डिंग है आसपास में पीछे। अब मैं आपको यहाँ की गोल्ड दिखाता हूँ, देखो कितने खूबसूरत ज्वेलरी है यहाँ की। ये देखो यहाँ की ज्वेलरी, कितना खूबसूरत ज्वेलरी है, कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये शीशे के अंदर है, ये दुकान के बाहर ये शोपीस में लगाया हुआ है,
इंडिया में ऐसे नहीं बेच सकते, इंडिया में ऐसे बेचोगे एक मिनट में शीशा फोड़ के निकाल के लेके भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ शटर भी नहीं बंद होती, यहाँ सिर्फ शीशे के दरवाजे बंद करो, अपने घर जाके आराम से सो जाओ। हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पूरा सर्विलेंस पे है, पूरी रोड, पूरी सड़कें, सड़कों के बीच में कैमरे लगे हुए हैं। कोई गाड़ी रॉन्ग चलाता है उसके ऊपर फोकस मारती है, उसका फ़ोटो खींच लेती है, और घर पहुँचने से पहले पहले उसका खींच लेती है। तो बहुत हार्ड है यहाँ पर कानून, बहुत अच्छा सारा हिसाब किताब है बना हुआ यहाँ पर। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? फाइनली हम लोग पहुंच गए समुद्र के बीच पे। आप पीछे देख रहे हो कि ये कैसे कश्ती खड़ी हुई है यहाँ पे, सब लोग फोटो खींच रहे हैं आके, और सभी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, सभी लोग अपना अपना सेल्फी ले रहे हैं, सभी लोग अपना अपना वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बस ये नज़ारा है घूमने फिरने का ये शाम। लाइटिंग वाइटिंग अच्छी जली हुई है, पीछे सड़क है तो गाड़ियाँ एक से एक पार हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे दारुल कज़ा भी है, दारुल कज़ा बोलते हैं कोर्ट को जहाँ पे सुनवाई होती है। पीछे आप कश्ती के पीछे देखेंगे अपर कोर्ट है, और अंदर में एक लोअर कोर्ट है जहाँ लेबर की सुनवाई होती है। कोई वर्कर ऐसा है जिसके कंपनी ने पैसे नहीं दिए, सैलरी रोक के रखा हुआ है, तो वो अपील कर सकता है, उसको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता आप मालदार हो, आप बड़े हो, आप कंपनी के ओनर हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप लेबर है, आपकी कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही, आपको पगार नहीं दे रही है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो उसके खिलाफ। तो ये देखो हमारे साथ लोग सब लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये बीच नहीं है भाई, तो बस छोटा सा एक बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे लोग मछुआरे लोग मछली मारते हैं, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी जहाज़ होती है वो उधर खड़ी होती है, आप पीछे देख रहे होंगे उस साइड में खड़ी होती है वहाँ पे, और जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है वहीं पर ही होता है। आपको एक छोटा सा यॉट दिखाता हूँ, इसको देखिए कितना प्यारा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसे रुका हुआ है। बस हम लोग साथ साथ में सब लोग घूम रहे हैं। ये एक छोटा सा यॉट देखो यहाँ पे खड़ा हुआ, वाइट कलर का स्टीमर, काफ़ी मज़ा आ रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। मैं आपको दिखा दूँ पीछे, एक मरतब घूम के दिखा रहा हूँ पीछे कितनी अच्छी मस्जिद है वहाँ पे, कैसा लाइटिंग वाइटिंग लगाया हुआ एकदम बेहतरीन, आपको दिख रहा होगा पीछे सब लोग आ रहे हैं, मेरे दोस्त लोग पीछे है, और सभी लोग फैमिली लोग हैं यहाँ पे। ज़्यादातर रोला में जो है, शारजा में जो रोला सिटी है, जो मैंने कहा था मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे सब लोग इंडियन फैमिलीज रहती है। यहाँ पे फ्लैट्स जो है थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो इंडियन फैमिलीज ज़्यादातर ही रहना पसंद करती है यहाँ पे, घूमते फिरते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर फैमिलीज यहीं पर रहती है, शाम में यहाँ घूमने फिरने के लिए आती है। आपको दिखाता हूँ पीछे कितनी अच्छी मस्जिद, लाइटिंग वाइटिंग है, तमाम मस्जिदों का यहाँ पर यही रोल है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी लगी रहती है, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया जाता है लाइटिंग, ताकि आपके मुँह पर फोकस ना आए। यहाँ की लाइटिंग की क्वालिटी है, और आपके मुँह पर कभी भी फोकस आने नहीं देता वो। क्या कर रहे पीछे की मस्जिद दिखा रहा, देखो मीनार दिख रहा होगा पीछे मेरे, इंग्लिश के पास उधर ही बना ले मस्जिद। पैदल चल चल के भाई हम लोग अभी थके तो नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं मछली मार्केट भी लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक मछली मार्केट है, गोल्ड मार्केट भी, लेकिन थोड़ी अंदर में है वो, दूर में है, मैं समुद्र के किनारे पे हूँ अभी, और मछली मार्केट दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत, तरह तरह की मछलियाँ हैं, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, और फ्रूट्स भी है बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के, तो सब भी दिखाऊंगा आपको मैं, जब तक मैं कैमरा बंद करता हूँ। थैंक यू।